वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। बिहार प्रशासनिक सेवा यानी BPSC की परीक्षा का पेपर लीक हो गया है। दरअसल 8 मई को बिहार में बिहार लोक सेवा आयोग के 67वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा यानी PT परीक्षा हो रही थी। इस दौरान बिहार के कई जिलों के परीक्षा सेंटर से पेपर लीक हो गया है। परीक्षा शुरू होने से पहले ही पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जब परीक्षा खत्म हो गई और उसके बाद वायरल सवालों का मिलन किया गया तो वो परीक्षा में आए सवालों से मेल खा रहे थे। जैसे ही परीक्षार्थियों को इस खबर की जानकारी हुई, कई जिलों में अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा काट दिया। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला और क्या बोले बिहार DGP। जानकारी के मुताबिक बिहार लोक सेवा आयोग की PT परीक्षा का सी सेट का प्रश्न पत्र लीक हुआ है। बिहार के कई जिलों में 67वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा ली गई है। इस परीक्षा में प्रदेश के करीब 6,00,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इस परीक्षा के लिए राज्य 48 जिलों में 1,043 एग्जाम सेंटर बनाए गए थे। पटना में 43 केंद्र थे जिन पर 55,710 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। परीक्षा को लेकर सभी केंद्रों पर मजिस्ट्रेट और दंड अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। BPSC परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने का मामला जैसे ही आयोग के पास पहुंचा तो उन्हें हाथ पांव फूल गए और आनन फानन में 3 संसदीय जांच कमेटी का गठन कर दिया। इस पूरे मामले पर बिहार DGP ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। 67th जो कंबाइंड प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा थी BPSC की, उसमें जो पेपर लीक आउट होने की बात जो है वो दोपहर से आनी शुरू हुई, तो उसके बाद BPSC ने अपना पूरा इंटरनल कमेटी बिठा के अपना जांच पड़ताल किया और वह इस नतीजे पर पहुंचे कि जो क्वेश्चन पेपर का जो सेट सी है वो लीक आउट हुआ और उन्होंने सेट सी के बारे में इसने हमें बताया है, वो लीक आउट हुआ और इस बात के मद्देनज़र उन्होंने ये परीक्षा कैंसिल कर दी। शाम में हमें जो है बिहार लोक सेवा आयोग का पत्र प्राप्त हुआ और पत्र प्राप्त होने के बाद में उसमें ये अनुरोध किया गया था कि हमारे जो अपराध जो ADG EOU है, आर्थिक अपराध इकाई के जो ADG हैं, उन्हीं के अंडर में हमारा साइबर सेल ऑपरेट करता है, तो उसी साइबर सेल में से इसकी पूरी गहन जांच करा दी जाए। तो उस पत्र के बाद में हमने अपने ADG साहब को बुलवा के उनको विमर्श कर लिया, डायरेक्शन दे दी हैं, पत्र भी दे दिया इनको और इन्होंने अपनी एक टीम गठित कर दी। इस टीम में हम और भी कुछ एक्सपर्ट्स जो हैं वो और ऐड कर देंगे, लेकिन जो भी टीम गठित की गई है उस टीम ने अपना काम शुरू कर दिया। तेजस्वी यादव ट्वीट कर बिहार सरकार पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार के करोड़ों युवकों और अभ्यर्थियों का जीवन बर्बाद करने वाले बिहार लोक सेवा आयोग का नाम बदलकर अब बिहार लोक पेपर लीक आयोग कर देना चाहिए। ये तो था बिहार पेपर लीक पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको कैसी लगी जरा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इसके साथ ही पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं ये भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। बाकी देश दुनिया की खबरें देखने के लिए बने रहें जनसत्ता.com पर। धन्यवाद।